मंत्री के बेटे को रोकने वाली सुनीता यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मभट्ट ने दिए हैं 3 आरोप में जांच के आदेश। मंत्री के बेटे की वीडियो बनाकर चर्चा में आई सुनीता यादव की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी वह परेशानियों में घिरी हुई है। उनके खिलाफ 3 जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल सोशल मीडिया पर तो उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन सुनीता के इस्तीफे पर भी स्थिति साफ नहीं हुई है। उन्होंने इस्तीफे का दावा किया है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुनीता से पूछताछ अब भी जारी है। तकनीकी रूप से फिलहाल वह इस्तीफा नहीं दे सकती। सुनीता के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वह लोगों से सड़क पर उठक बैठक करवाती हैं। इस बात को लेकर उसके खिलाफ जांच शुरू की गई है। वहीं दूसरा आरोप उन पर यह लगा है कि 9 जुलाई से अपनी ड्यूटी से वे गायब हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ मंत्री के बेटे को फटकार लगाने की जांच पहले से ही चल रही है। इस तरह अब उनके खिलाफ कुल 3 चीजों की जांच बैठाई गई है। आपको बता दें कि सुनीता यादव ने गुजरात सरकार के राज्य मंत्री कुमार कानानी के बेटे की कार को रोका था। बताया गया था कि बेटे अपने दोस्तों के साथ सूरत में लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करके घूम रहे थे। इसी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। इस दौरान सुनीता ने एक वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ है। सुनीता यादव के खिलाफ 3 जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इसके लिए गुस्सा भी फूट रहा है। लोग खुलकर सुनीता के साथ ही आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक।